आप लोग तो A to Z वीडियो देख रहे हैं, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ लाश पाया गया, हर एक चीज़ A to Z देख रहे हैं आप लोग। अब फिर कैसे मतलब जो है इस तरह को गुमराह कर रहे हैं ना, तो हमको कुछ वहाँ कोई नहीं पहुँचा कि से कैसे वो लोग मारे। हाँ, घर में मारे, घर में बेड पर सोला करके तब मारे। अभी है तो अभी हम लोग के लिए भगवान तो जज साहब ही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, आशा करते कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों क्या बताएंगे आप लोगों को, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि छोटू का केस चल रहा है ना, तो उसी के विषय के बारे में जो है हम बात करेंगे। और मम्मी जो है आज गई थी है ना कोर्ट गई थी। मम्मी वहाँ पे क्या हुआ, आप जब गई कोर्ट तो आज क्या हुआ? आज सारा दिन मतलब वहीं पे थे, अभी आई है जस्ट है ना, 10-15 मिनट होता है। नहीं, 5 तारीख के लड़के। तो दोस्तों अभी नहीं हुआ है, जैसे विरोधी पार्टी जो है ना, हत्यारा पार्टी, वो बोले हम गवाह गुजारेंगे, जो कि पूरा दुनिया जानता है, पूरा दुनिया जानता है कि हत्या उसी ने किया है, उसी के घर में लाश पाया गया है, फिर वो बोल रहे हम गवाह गुजारेंगे। तो आप लोग बताइए दोस्तों, उनका गवाह चलेगा हैं? जो भी हम ये बोल रहे हैं, जो भी देख रहे हैं ना दोस्तों वीडियो को, आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। आप लोग तो A to Z वीडियो देख रहे हैं, कहाँ मर्डर हुआ, कहाँ लाश पाया गया, हर एक चीज A to Z देख रहे हैं आप लोग। अब फिर कैसे मतलब जो है इस तरह को गुमराह कर रहे हैं ना, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन बढ़ जाता है। इसी जो सच्चाई रहता ना, उनके पास गवाह रहता है, पूरा दुनिया जानता है, पूरा दुनिया देखा है उनके घर में क्या था, क्या पकड़ाया गया, क्या क्या चीज से वार किया, हर एक चीज पकड़ाया, फिर भी जो गुमराह कर रहा है दोस्तों। यही सब सोच सोच के जो है ना ज्यादा टेंशन हो रहा है। ऐसे मेरी मम्मी थी, पूरा हंसती खेलती रहती थी। आज देखिए चेहरा कितना उतरा हुआ है, किसके कारण? आज एक गलती नहीं करता तो आज इस तरह होता? प्यार मोहब्बत कहाँ नहीं चलता है, हर एक जगह चलता है, हर एक जगह शादी विवाह कराया जाता है। एक ही कास्ट था, सेम वो भी रिलेशन का था, है? सोचने वाली बात है, ताकि हम बच जाएं। तो बचने वाली बात है, आप लोग खुद बताइए, बचने वाली बात है जो कि उनके घर में हर एक चीज पाया गया, तो फिर कैसे बचेंगे? फिर भी जज साहब जो होते हैं ना, एक मौका देते हैं, देख हम लोग के लिए भगवान तो जज साहब ही हैं, मौका देते हैं कि कहीं हो ना हो उनके साथ भी कोई गवाह हो। आखिर गवाह क्या कहते हैं उनका, उनका भी तो राय देखेंगे ना, दोनों पार्टी का। आज भी गया गवाह, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे मतलब गुमराह कर रहे हैं ना दोस्तों, जो कि हम अगर जब अकेले बोलते ना तो चलिए पूरा दुनिया झूठ मानते, लेकिन A to Z देखे हैं, मीडिया कर्मी भाई साहब वहाँ पे गए थे, वो वहाँ पे देखे हैं कैसे कैसे हुआ, क्या चीज़ से वार किया गया था, हर एक चीज़ का वीडियो बना है, तब पर भी गुमराह कर रहे हैं। कुछ चैनल मीडिया वाला भी मतलब ऐसे उल्टा फिर करने लगा था, तो कभी उल्टा चलेगा, जो कि सबके नज़र में आ गया है कि वो हत्यारा है, जानबूझ के किया गया है। यही सब जो है सोच सोच के टेंशन हो जाता है। आरती जी बीमार जो पड़ती है ना बार बार, उसी के कारण ते हैं वकील कोई भी है ना, वो तो पैसा के लिए झूठ फूस तो कर भी करते हैं, लेकिन झूठ को कितना बनाएंगे ना तो झूठ सच नहीं बन सकता है। कागज के फूल में कितनो अगर सेंट दे देंगे तो उसमें सेंट नहीं आ सकता है। वही ना, समझने वाला तो समझते हैं लेकिन देर से समझते हैं, देर से समझते हैं। तो जो वो गवाह ले जाते हैं पटिया करके, पैसा दे करके, लेकिन सच वो देखवे नहीं किया तो बोलेंगे क्या? वो वही ना, जिस टाइम हम पहुंचे थे वहां अड़ोसी पड़ोसी कोई नहीं वहां था, तो ऐसा कौन गवाह है कि उसको उसके तरफ बोल देंगे? अपने अपने घर से देख रहा था, कोई मकान पर से देख रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुंचा कि से कैसे वो लोग मारे। हाँ, घर में मारे, घर में बेड पर सोला करके तब मारे हैं, रड से। अरे रू कांप जाए छे जब सुने छे ना घटना। लास्ट लास्ट में नहीं मरा तो निर्भय के कहने पर निर्भय बोला कितना मार मारा है,
ये नहीं मरेगा, इनको करंट लगा दो। सांप का बच्चा है, करंट लगाया है तब करंट से मरा है। करंट पूरा मार करके हर सब अंग को तोड़ दिया था। जब उनको अभी छुपा रखा, अभी छुपेगा वो, कितना छिपाएगा तो थोड़ी छिप जाएंगे। और कोई गवाह बोल देंगे थोड़ी ये सच हो जा सकता है, सच नहीं हो सकता है। क्योंकि उस टाइम सब अपना अपना छत पे से देख रहा था, है कि नहीं देख रहा था, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया, नहीं आया। और बोलेगा कि हम देखे हैं तो थोड़ी चलेगा, थोड़ी चलेगा। क्या है बड़की मम्मी, नीक आदमी अगर अच्छा रहते हैं ना, उनको साथ देने में कोई घिचपिचाते नहीं है, उनको डर नहीं होता है। अब कौन हथियारों को साथ देगा? देने वाला है कि बहुत देने वाला है, लेकिन पैसे पे देगा, पैसे पे देगा। बड़ी मम्मी हम देखे हैं आजकल पैसे पे जो है ना बिक जाते हैं बहुत आदमी। तो खैर पैसे पे बिक जाएगा वो, लेकिन जो है हमारा कानून है वो नहीं बिकेगा, वो नहीं बिकेगा। सच्चाई का हार कभी भी नहीं हुआ है, यही लेट से हो जीता है, लेकिन हो सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं होता, पराजित नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखिए उधर पप्पा भी आ गए हैं। हैं कुछ नहीं, वही आज जो गए थे आप लोग कोर्ट में, वही बात चल रहा है। मतलब जो गुमराह कर रहे हैं गवाही गुजार के, क्या साबित करना चाहता है? जो कि झूठ सही को झूठ कितना बना के बोलेगा ना, तो सही सही है, सही नहीं हो सकता, सही नहीं कर सकता है वो, झूठ झूठे होगा वही ना। हाँ जो गलत है वो गलत ही रहेगा, उनको कितना पढ़ा करके अगर बोलेगा कि तुम सही बात बोलो तो नहीं बोल पाएगा। नहीं ना, हम बोल रहे हैं हम झूठ बोलेंगे, पप्पा झूठ बोलेंगे। जो मीडिया कर्मी भाई जी मतलब वीडियो बनाए थे, लाश तक का वीडियो बना है कि उसके घर में लाश पाया गया, कोई भी गवाह जो मतलब बोलेंगे तो गलत है ना बोलेंगे, उस टाइम वहाँ कोई नहीं था। हम लोग गलती नहीं है, हम लोग जो है झूठ बोल सकते हैं सपोज में, लेकिन आरती जी उनका लड़की है, वो अपनी आंखों से देखा है, गवाही भी गुजर चुका है, तब पर इसमें मतलब फिर गुमराह करने क्या बात है? कोई बात नहीं, गुमराह करता है कानून थोड़े गुमराह करने देगा, कानून ऐसा नहीं है। कानून पर भरोसा है, न्यायालय पर भरोसा है, हमको जरूर न्याय मिलेंगे, हमको न्यायालय, हम लोग को तो भरोसा है, बस अब न्यायालय पे ही भरोसा है, वही हम लोग को न्याय दिलाएंगे, है ना। बाकी आप लोग का प्यार दुलार चाहिए बस। आरती जी चाय पी लीजिए, चलिए और कुछ कहेंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, बाकी जहाँ तक भी जाएगा केस आप लोगों को ए टू जेड बताएंगे कब क्या होता है। आज भी गए थे तो आप लोगों को हम शेयर किया आप लोग से, है ना, जिस मैटर के लिए चैनल बना है उसके लिए आज हम शेयर किए हैं, ठीक है। और जब तक चलेगा तब तक आप लोग से इसी तरह शेयर करते रहेंगे कब क्या होता है। हम लोग को तो भरोसा है न्यायालय पे कि हम लोग को न्याय दिलाएंगे, है ना। बाकी देखते हैं भगवान क्या करते हैं, सच तो सच ही रहेगा, झूठ तो झूठ ही रहेगा, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।